आप देख रहे हैं जन आदेश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। कांवड़ यात्रियों का भव्य दिव्य स्वागत, जिला अधिकारी एसएसपी ने की पुष्प वर्षा। तो एसएसपी एसपी ग्रामीण एसटीएम सीओ ने भेंट किए राष्ट्रीय ध्वज। एसटीएम सीओ कोतवाल रात भर जाकर सड़क पर ड्यूटी, दिन रात एक करके सुरक्षा में जुटा प्रशासन। फिरोजाबाद जिले में सुपर क्षेत्रों शोरों में गंगा जल लेकर वटेश्वर मुरैना मध्य प्रदेश जाने वाले मार्ग एटा रोड खड़ित नहर पुल से फिरोजाबाद जिले की सीमा प्रवेश पहाड़ डम जशराना सिकोहाबाद मैन बाजार रेलवे स्टेशन रोड वटेश्वर नसीरपुर होते हुए नारंगी पार कर आगरा जिले की सीमा वटेश्वर और मुरैना मध्य प्रदेश को लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री जाते हैं। किस तरीके से प्रशासन की तैयारी है और किस तरीके से कांवड़ियों का ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, पूरे रूट पे जो हमारे दो रूट्स हैं, मेजर रूट्स हैं, उन पे कांवड़ यात्रा के लिए सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं और निरंतर हम और सुल्तान साहब, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है, सभी तैयारियों की निरंतर समीक्षा कर रहा है और खुद मौके पे जाके हम लोग देख ही रहे हैं। हमारे सारे अधिकारी, एसडीएम, पुलिस, सभी लोग ऑन फील्ड हैं। रात में भी ड्यूटियाँ लगी रही हैं टोटल टाइम, और रास्तों पे जो अन्य अरेंजमेंट्स होते हैं, बिजली की समस्या है या गड्ढे बढ़े हैं, साफ सफाई है, सारी चीज़ों को लोग के लिए कहा गया है। नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत की तरफ से व्यवस्थाएँ की गई हैं। जगह जगह पर बैरियर्स और जिग-जैग बैरियर्स भी लगाए गए हैं। जो हमारे एनजीओज हैं, जो शिविर लगाते हैं, उनके साथ ही बातचीत की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कैंप लगाए गए हैं। तो निरंतर हम लोग इसका अनुसरण भी कर रहे हैं और आगामी शिवरात्रि के लिए भी, जैसे आज सुबह में ड्यूटियाँ चेंज होती हैं, तो निरीक्षण भी किया गया कि ड्यूटियाँ सभी टाइम से आ जाएँ। तो सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि कांवड़ यात्रियों को कोई समस्या ना आए और सभी चीज़ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और काफ़ी दिवस है कांवड़ियों के लिए और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। क्या ध्यान कांवड़ में सुरक्षा, संवाद और स्वागत, ये तीन जो हमारे मेन प्लैंक हैं, इसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। सुरक्षा में 123 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो हैं, हमारी नंबर 24 है, उस पर लोग लगे हुए हैं, जिंदा ड्यूटी कर रहे हैं। और जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी, जीरो एक्सीडेंट है, उसको हमने जमा पहनाने के लिए हम लोग जिंदा ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी सुविधाएँ सुरक्षा की हो सकती हैं सबको किया जा रहा है। हालांकि रोड्स वगैरह जो हैं उन पर ट्रैफिक भी हम लोग को चलाना है, अपने सुरक्षा भी रखनी है, तो देखते हुए जगह जगह बैरियर ऊपर फ्लैग्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखी जा रही है। पीआरवीज का भी डिप्लॉयमेंट जो है, जो हो चुका है, उसका भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर रोड पर किया गया है। साथ ही जो अस्पताल एम्बुलेंस वगैरह हैं उनकी व्यवस्था की गई है, तो अगर की इनकेस एनी इमरजेंसी में रिलेटेड हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी मैं और डीएम साहब भी लगातार उसको कवर कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं और रात में भी कर रहे हैं। अभी ड्यूटी चेंजिंग 8 बजे होनी थी, तो उसमें भी ड्यूटी चेंजिंग को भी ध्यान दिया गया है। इस तरीके से संवाद भी किया जा रहा है, सुरक्षा भी की जा रही है और स्वागत भी किया जा रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।